स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड कवर अप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटरनल कैपिटल को स्टडी किया था। अभी हम यहाँ पे सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल मतलब उधार लोन वाले कैपिटल की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, ओनली ओन्ड कैपिटल इज नॉट सफिशियंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। खाली खुद का ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल टू टाइप्स ऑफ कैपिटल होते हैं, राइट। तो ओन्ड कैपिटल ऑलरेडी हमने स्टडी किया, जिसमें हमने इंटरनल कैपिटल जो है वो भी स्टडी किया। अभी यहाँ पे है ना, खाली इतना ही सफिशियंट नहीं होता है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, फंड को बोरो भी करना पड़ता है, बाहर से भी फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। तो कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन्ड कैपिटल, खुद के कैपिटल को सप्लीमेंट्री। जैसे है ना, हम बोलते हैं ना कि कैल्शियम, हमको हमारे खाने से अगर कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती तो एक सप्लीमेंट्री हमको कैल्शियम की टेबलेट्स लेनी पड़ती है। इसी तरीके से यहाँ पे है ना, बोरोड कैपिटल एज अ सप्लीमेंट है ना ओन्ड कैपिटल के साथ कंपनी को यूटिलाइज करना पड़ता है बिजनेस को रन करने के लिए। तो यहाँ पे एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिन्होंने ना फंड है ना बाहर से बोरो नहीं किया हो, कोई भी कंपनी नहीं, भले वो टाटा की कंपनी हो, चाहे वो रिलायंस हो, कोई भी हो, सभी ने है ना कैप मनी बोरो किया ही होगा, सम ऑफ दी अदर सोर्सेस से उन्होंने बोरो किया ही होगा मनी। और क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज और बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज होती है, राइट। तो वहां पे खाली ओन्ड कैपिटल से नहीं चलता है, उसके साथ साथ बोरोड कैपिटल भी होता है। नाउ However, it is normal practice to have an express provision in memorandum of association enabling a company to borrow money. हम यहाँ जो है ना memorandum of association इनकी बुक से उनमें ये रहता है कि आप borrow money, आप borrow कर सकते हो बाहर से, आप borrowed capital arrange कर सकते हो other sources से, right? तो यहाँ पे memorandum authorizes, ये जो है rules and regulations इनकी जो book होती है उनको authorization देती है, उनको allowed करती है company को to exercise borrowing power. Powers where as articles of association क्या provide करती है, that how to and by whom, कहां से और किस से पैसा लेना है, these powers shall be exercised. ये कौन power देता है, ये articles of association, आपने जैसे 11th standard में study किया memorandum of association and articles of association, ये दो books होती हैं इनकी rules and regulations की, जिसमें से articles of association है जो है ना allowed करती है company को कि कहां से और किस से आपको है ना बोरो करना है, ठीक है। और मेमोरेंडम एसोसिएशन अलाउ करती है बोरोइंग पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ करती है। नाउ द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जनरली कौन है ना इस कौन ये है ना क्रिएट करता है, कौन है इसको अरेंज करता है इस बोरोड कैपिटल को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके पास पावर होता है बोरो करने का, बोरो करने का बाहर से पैसा, ठीक है। अभी यहां पे हम आते हैं कि अब प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज, कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो ये एक्सरसाइज करना मतलब कैन गो अहेड विद दिस, ओके, इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आपने है ना ये स्टडी किया है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट किसी भी बिजनेस को पहले इनकॉर्पोरेट करने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए है ना सर्टिफिकेट मिलती है, राइट। तो वो रजिस्ट्रार से, तो ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी कैन गो अहेड टू बोरो मनी, ओके। तो यहां पे पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज, लेकिन पब्लिक कंपनी को ये अलाउड नहीं है, प्राइवेट कंपनी कैन गो अहेड जस्ट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, राइट। लेकिन यहां पे पब्लिक कंपनी होती है वो नहीं एक्सरसाइज कर सकती इसको इट्स बोरोइंग पावर अंटिल इट सिक्योर्स, जब तक उसको है ना लास्ट जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने का, ये इनकॉर्पोरेशन मतलब बिगिनिंग स्टेज हो गया और यहां पे कमेंसमेंट, उसको सारे स्टेजेस कवर करने के बाद में जो लास्ट स्टेप होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद में ही कोई भी पब्लिक कंपनी बोरो कर सकती है मनी बाहर से, ठीक है। अभी यहां पे द कैपिटल में भी बोरोड फॉर शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे कंपनी की जो ये रिक्वायरमेंट है
उसके हिसाब से कंपनी पैसा बोरो कर सकती है। अगर उनके छोटे समय के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेंगे, मीडियम पीरियड के लिए चाहिए तो मीडियम, और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मोर देन वन ईयर का उनको बोरो करना है तो वो मोर देन वन ईयर के उसमें जा सकते हैं। नाउ इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लार्ज लेटर स्टेज ऑफ कंपनीज बिजनेस, कंपनी की बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में एक जब भी उनको बहुत अर्जेंसी हो लेटर स्टेज पे ही वो ले वो ज्यादा अच्छा है। व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई, कब उनको लोन लेना बाहर से पैसा उठाना सही होता है, जब उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उनको एक्सपैंड करना अपने बिजनेस को, डाइवर्सिफाई करना है, राइट उनकी बहुत सारी है ना बहुत सारे सेगमेंट्स इंक्रीज करने हैं बिजनेस के, तरह तरह के उनको टाइप्स के, तब उनको बोरो करना ठीक रहता है एंड इट रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल, क्योंकि उस समय उन्हें और एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है। इसीलिए उस समय पर लेटर स्टेजेस पे, बाद के स्टेजेस पे जब बिजनेस ग्रो होने लगता है, फ्लोरिश होने लगता है, और बाद में उनको जब एक्सपैंड और डाइवर्सिफिकेशन करने का बिजनेस को जब उनको माइंड सेटअप हो जाता है, तो उस समय पे इस बोरोड कैपिटल को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, बोरोड सिस्टम से हमको कैपिटल अरेंज करना चाहिए। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड, किस तरीके से रेज कर सकते हैं, ये बोरो कहां कहां से करेंगे, कौन कौन से वेज होंगे इसके, तो यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पहला तो आप है ना डिबेंचर्स इश्यू करो, सेकेंड बी इज वॉट एक्सेप्टिंग डिपोजिट, डिपोजिट को एक्सेप्ट करते हुए, देन सी इज वॉट बॉन्ड्स आप इश्यू करो, देन लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, नहीं तो है ना बैंक से लोन ले लो बिजनेस लोन, राइट, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक होते हैं, वहां से आप लोन रेज कर लो एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे अभी आप देखिए, आप किसी से उधार पैसा ले रहे हो अगर बिजनेस के लिए, तो ऑब्वियसली आपको उसके रिटर्न में आपको कुछ उनको वापस देना होगा, एक्स्ट्रा मनी देना होगा, राइट, ये हमने 10th में भी स्टडी किया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट, ये कोई इक्विटी शेयर कैपिटल तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं देंगे तो चलेगा, ये तो बोरोड कैपिटल है, बोरोड पे है ना इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट, तो इट इज अ फिक्स्ड एट इट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में मुनाफा हुआ, बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो है ना हम इंटरेस्ट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जैसे है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, उस तरीके से नहीं चलता है, वो तो इंटरनल वाला हो गया, उनका खुद का ओन कैपिटल हो गया। यहाँ पे हम है ना ओल्ड कैपिटल की बात करें, बोरोड कैपिटल की बात करें, OWED ओल्ड बोरोड कैपिटल, तो यहाँ पे है ना इस ओल्ड कैपिटल पे, बोरोड कैपिटल पे एक फिक्स रेट पे है ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और हमको उसकी डेट भी डिसाइड करनी होगी कि 5 साल बाद रिटर्न कर रहे हो या 1 ईयर के बाद में या 3 ईयर्स के बाद में या 10 ईयर्स के बाद में, तो वो भी उसके पीरियड उसका टाइम भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले ये जो हमें इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है हम उसको स्टडी करते हैं डिबेंचर्स को। तो यहाँ पे डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग टर्म लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो यहाँ पे डिबेंचर्स इश्यू करके हम है ना बोरोड कैपिटल रेज कर सकते हैं, रेज करना मतलब हम अरेंज कर सकते हैं, हम इसको यूटिलाइज करने के लिए, बोरोड कैपिटल को यूटिलाइज करने के लिए फर्स्ट हमको उसको कोई भी सोर्स हमको चूज करके हमें ये पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट, हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवर द ईयर्स डिबेंचर्स हैव ऑक्यूपाइड ए सिग्निफिकेंट पोजिशन, मतलब इंपॉर्टेंट जगह उनका स्थान ऑक्यूपाई किया कि हाँ डिबेंचर से पैसा इशू, डिबेंचर इशू करके पैसा हम रेज कर सकते हैं इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। तो अभी डिबेंचर का मतलब क्या होता है, तो द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम, कहां से आया है ये शब्द, ये वर्ड कहां से आया है, तो दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेब्री, डेब्री का मतलब होता है विच मीन्स टू ओ मतलब उधार, OWE, जैसे मैंने आपको अभी भी पहले भी ये वर्ड रिवाइज रिपीट किया था कि OWED ओड कैपिटल में उधार का, ओके तो डेब्री विच मीन्स ओ, द टर्म डिबेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। हमारे जो इंडियन कंपनीज एक्ट है उसके अंडर में ये टर्म है ना क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली स्टेट दैट, ये क्या इसको स्टेट करता है, क्या बोलता है, व्हाट स्टेटमेंट इज गिवन दैट द डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर क्या इंक्लूड करता है, डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स को इंक्लूड करता है एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी
कंपनी के दूसरे कोई जो सोर्सेस है एविडेंसिंग अ डेप्ट लोन को आपको प्रूफ देते हैं राइट डॉक्यूमेंट को कि प्रूफ प्रेजेंट करते हैं एविडेंसिंग मतलब प्रूफिंग अ डेप्ट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। यहाँ पे ये वाली चीज समझने वाली बात है कि अ चार्ज ऑन द एसेट्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई लोन रेज कर रहा है राइट वो कोई है ना डिबेंचर के थ्रू या है ना कोई बॉन्ड्स इश्यू करके अगर कोई कंपनी बाहर से पैसा उधार का पैसा उठा रही है तो क्या किया जाता है वो कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उनको गिरवी एक तरीके से उनके एसेट्स कितने हैं कंपनी के उसके हिसाब से उनको है ना लोन मिलता है उनको बोरोड कैपिटल अरेंज करने के लिए मिलता है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन कभी 99.99% यहाँ पे एसेट्स को देखते हुए ही लोन मिलता है किसी भी कंपनी को। तो यहाँ पे ये यूज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब या तो ये चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ अ कंपनी या तो कंपनी के एसेट्स पे कोई चार्ज होगा मतलब हाँ ये एसेट्स है तो उसके हिसाब से लोन मिला है या नहीं होगा। इस तरीके से किसने बताया है कंपनी एक्ट 2013 ने अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में ये स्टेट किया है। ये बोला है कि द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स दैट डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड एनी अदर कोई भी दूसरा अदर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट जो है ना लोन को जो डेप्ट को बोरोड मनी को प्रूव करता है ओके वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स और नॉट। तो ये कंपनी एक्ट 2013 ने बोला है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर में क्या होता है डिबेंचर स्टॉक्स होते हैं। डिबेंचर का मतलब होता है डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट हुआ लाइक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हुआ विच इधर क्रिएट्स और एक्नोलेजेस डेप्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि देखिए जब आप है ना अपनी फी पे करते हो राइट आप कॉलेज में अपनी फी पे करते हो तो आपको एक एक्नोलेजमेंट मिलता है कि आपने है ना फी पेमेंट कर दिया राइट आपको रिसिप्ट मिलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो डिबेंचर होता है वो जैसे शेयर सर्टिफिकेट होती है उसी तरीके से डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे जो आपका क्या करता है एविडेंस देता है कि हाँ ये जो पैसा रेज हुआ है ये बॉन्ड्स ये जो डिबेंचर्स इशू करके डिबेंचर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही हुआ है। मतलब ये डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इधर क्रिएट्स और एक्नोलेजेस डेप्ट ये लोन को एक्नोलेज करता है उसको बताता है कि ये लोन का पैसा है ओके। ऑर्डिनरीली अगर आप बोलो तो डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब इट इंक्लूड्स अ चार्ज ऑन सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि 99.99% तो कंपनी के एसेट्स को देख के उनके जो एसेट्स के अगेंस्ट मतलब उसको गिरवी एक तरीके से बोल सकते हैं हम रखते हुए ही है ना हमको डिबेंचर का पैसा डिबेंचर से पैसा हम रेज कर सकते हैं। बट देयर मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज विदाउट सर चार्ज भी सच चार्ज मतलब कोई भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हमने सुना होगा लोन अगेंस्ट गोल्ड हमने सुना है राइट। तो यहाँ पे उसी तरीके से डिबेंचर भी इश्यू करने के टाइम पे कंपनी जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है तो वो डिबेंचर्स का जो लोन का पैसा उठाती है मार्केट से तो उसको या तो अपने कुछ प्रॉपर्टीज को सामने रखेगी कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमारे पास है यू डोंट वरी नो नीड टू वरी हम हैं अगर हम आपका पैसा डूबने नहीं देंगे आप हमें ये प्रॉपर्टी देख के हमको एश्योरेंस दे सकते हैं हम आपको कि हम आपका रीपेमेंट कर देंगे जो भी पैसा ले रहे हैं उसका। या कभी कभी क्या होता है कि विदाउट एनी कीपिंग एनी सच चार्जेस ऑल्सो ये डिबेंचर इश्यू होते हैं। नाउ पैनमर डिफाइंस ये क्या डिफाइन करता है कि डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट ये एक इंस्ट्रूमेंट है अंडर सील एविडेंसिंग डेप्ट जहां पे द एसेंस ऑफ इट बींग एडमिशन ऑफ इनडेप्टेडनेस मतलब यहाँ पे इनडेप्टेडनेस मतलब यहाँ पे हाँ हो रहा है यस बोल रहा है कि ये जो है ना ये एविडेंस है ये प्रूफ है ये एक डॉक्यूमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम है ना पैसा बोरोड मनी है ना हम बाहर से उठाते हैं और इसके ऊपर एक्नॉलेज रहता है कि हाँ ये लोन का पैसा है ये अग्री किया गया हुआ डॉक्यूमेंट है कि येस दिस इज द लोन मनी करके। देन TOFAM defines what he defines that a debenture is a document given by a company. Debenture क्या है एक document है ये document किसने दिया है company ने दिया है। क्या बोला है company ने कि as a evidence of debt ये evidence है कि हाँ आपने है ना इस company के debentures खरीदे हैं मतलब आपने है ना company को loan दिया है to the holder मतलब debenture holder. A debenture is a document given by a company
एज एविडेंस ऑफ डेप्ट टू द होल्डर कि हाँ कंपनी को है ना डिबेंचर होल्डर ने लोन का पैसा दिया है डिबेंचर खरीद के, राइट. सो यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज. नॉर्मली मैंने जैसे आपसे कहा कि 99.99% तो ये है ना लोन जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं. कंपनी को अपने प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट रखनी पड़ती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है ना हम आपसे ये मनी रेस कर रहे हैं ये. सो अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशंस वी कैन से दैट डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेब्टेडनेस, मतलब ये ओव्ड मनी है करके, ठीक है, बोरोड मनी है. एंड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो गया. जैसे है ना चेक कैसे होता है, चेक इज एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसी तरीके से ये डिबेंचर भी इंस्ट्रूमेंट होता है. इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू की जाती है. जैसे आप है ना कॉलेज की फीस पे करते हो तो आपको कैसे फी रिसिप्ट मिलती है और उसके ऊपर फिर आपको कॉलेज का कॉमन सील, जो कॉलेज की सील होती है, वो भी थप्पा भी लगा होता है, राइट. तो यहाँ पे अंडर द कॉमन सील, तो जिस कंपनी ने डिबेंचर के थ्रू पैसा लिया है, रेस किया है मार्केट से, तो वो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करेगी एज अ प्रूफ कि है ना अगर किसी पर्सन ने डिबेंचर्स खरीदे हैं तो उसके पास प्रूफ क्या होगा, उसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होगी कंपनी की, और वो पर्टिकुलर कंपनी जिसकी उसने डिबेंचर्स खरीदे हैं तो उनकी कॉमन सील उस पर स्टैंप और उस पर लगा होगा. तो इस तरीके से ये पूरा ये जो है इसका डिबेंचर्स का मीनिंग हुआ. अभी हम आते हैं फीचर्स पे. तो यहाँ पे फीचर्स में देखिए, सबसे पहला ये जो है ना आप हमने ऊपर जो मीनिंग वगैरह पढ़े उसी से ही पूरे फीचर्स वगैरह हमारे निकल के आ रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रॉमिस, प्रॉमिस है ये, इट्स अ प्रॉमिस, राइट. सो डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी. कंपनी प्रॉमिस करती है आपको दैट इट ओव्स स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर की कंपनी इज अ लायबल टू पे, राइट. कंपनी इज लायबल टू पे सम ऑफ द मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर, जिसने डिबेंचर्स खरीद, समझो आपने है ना 100 डिबेंचर खरीदे हैं और 100 रुपए वाले डिबेंचर्स, तो टोटल है ना 10,000 आपने इन्वेस्ट किया कंपनी में, राइट. वाया डिबेंचर, बाय परचेसिंग डिबेंचर, कंपनी को लोन दिया है, आपने लोन दिया है, तो कंपनी लायबल है आपको रीपेमेंट करने के लिए. तो ये प्रॉमिस हुआ, ये डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रॉमिस होती है, राइट. देन यहाँ पे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू जैसे मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे जो इसकी फेस वैल्यू होता है नॉर्मली है ना हाई डोमिनेशन होता है, मतलब यहाँ पे ना डिबेंचर्स के जो, जैसे हमने ना इक्विटी शेयर्स में हमने बोला कि 1 रुपए भी होता है, राइट. लेकिन मिनिमम जो 1 रुपए से उसका स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है हाई डिनोमिनेशन होता है एंड इट इज रुपीज 100 और मल्टीपल्स ऑफ 100. या तो आप 100 रुपया ले लो या मल्टीपल्स ऑफ 100 होना चाहिए, 100, 200, 300, 400 जैसे हम बोलते हैं ना मल्टीपल्स ऑफ 100 हो गए. तो इस तरीके से फेस वैल्यू होती है, ये शेयर्स के जैसे होता है, लेकिन ये बस इस पे क्या होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को, और कंपनी को है ना सबसे पहले है ना डिबेंचर्स का ही पैसा, डिबेंचर होल्डर्स का ही पैसा चुकाना होता है. तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी फेस वैल्यू अगर आप बात करो तो आप ऐसे मान लो कि मिनिमम 100 रुपीज और मल्टीपल्स ऑफ 100 कंपनी वाले कंपनी शेयर्स सॉरी डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है, ओके. देन द थर्ड वन, टाइम ऑफ रीपेमेंट. जैसे हमने पहले ही बात की कि इसकी है ना टाइम पहले से फिक्स रहती है, 5 साल 10 साल मैच्योरिटी डेट, मतलब इसकी हमें डिसाइडेड करनी होती है एडवांस में, वेल इन एडवांस, राइट. तो डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. तो डिबेंचर सर्टिफिकेट में इशू के टाइम पे कि 5 साल वाला है या 10 साल वाला है, पहले से ही उसमें है ना ड्यू डेट लिखी होती है कि भाई 5 साल बाद में ये है ना मैच्योर हो जाएगा, मतलब रीपेड हो जाएगा आपको. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट. तो देखिए आपने ना हमने 10th स्टैंडर्ड में भी है ना पढ़ा है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, राइट, इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट होता है, राइट. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो इसी तरीके से ना डिबेंचर्स पे जो इसका नेट जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किया आपने 10,000 के डिबेंचर खरीदे तो 10,000 प्लस वो इंटरेस्ट होता है. तो इंटरेस्ट तो टाइम टू टाइम मिलते रहता है, लेकिन ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट, ओके, मैच्योरिटी डेट के टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना कंपनी को कंपलसरी हो जाता है. उन्होंने जो 5 साल की 10 साल की जैसे भी उन्होंने ड्यू डेट दी है तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी दे हैव टू रीपे होल अमाउंट, ठीक है. देन द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट.
प्रायोरिटी, जैसे मैंने पहले भी ये वर्ड यूज कर चुकी है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे ना डिबेंचर होल्डर्स हैव टू हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। जब ये ना कंपनी की है ना डिस्क्लोजर की बात आती है या कंपनी लॉस में चली जाती है, डिसॉल्व होने की भी बात आती है, तो भी है ना उस टाइम पे है ना समय से पहले अगर है ना पैसा देना पड़ा डिबेंचर होल्डर्स को, तो वो पैसा है ना सबसे पहले है ना कंपनी को डिसॉल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले है ना डिबेंचर होल्डर्स को ही पेमेंट करना होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नंबर आता है, और लास्ट में तो जैसे आपने स्टडी किया ही है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, बेचारे का बचा कुचा रेसिडुअल क्लेमेंट होता है, वो तो उसे तो बचा कुचा मिलता है। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर दी अदर क्लेमेंट्स क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। अदर क्लेमेंट्स में कौन आ जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, राइट। तो इनको सबसे पहले हमें प्रायोरिटी बेसिस पे डिबेंचर होल्डर्स को ही रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। यहाँ पे है ना एश्योरेंस मिलता है कंपनी को, कंपनी डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये लॉन्ग टर्म गैप डेप्ट हो गया, जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है। दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, और उनको है ना हम जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको एश्योर करते हैं कि यू डोंट वरी ऑन ड्यू डेट यू विल बी गेटिंग योर मनी इन रिटर्न, तो उनको एश्योरेंस दी जाती है। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बात की कि अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड अपॉन, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इनको मिलता है भले मार्केट में कितना ही अप्स एंड डाउन्स आओ। अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो भी ये लोग क्लेम नहीं कर सकते कि चलो हमें ज्यादा दे दो, आपको तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। No, you have kept yourself safe. आपने अपनी आपको सेफ रखा है, आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, एज वेल एज आपने क्या किया, आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है ना उनकी जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही आपने उनको लोन दिया है, राइट, एक तरीके से उनको उधार पैसा दिया है। तो यू कैन नॉट आस्क फॉर द एक्स्ट्रा, आपको जितना डिसाइडेड हुआ है जब भी आपको इश्यू किए गए थे डिबेंचर्स आपको उसके अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। तो अग्रीड अपॉन, तो जैसे अग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से मिलेगा। एंड इज पेड पीरियोडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर्स, तो टाइम टू टाइम वो इंटरेस्ट मिलते भी रहता है, दिया भी जाता है उनको बीच में भी, ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी डेट तक है ना आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो चीज नहीं होती है। नाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की फिक्स्ड लायबिलिटी होगी, ये तो देना ही देना है उनको। इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, भले है ना कंपनी पूरी डाउन उसमें चली जाए, भले रिसेशन पीरियड आ जाए, कंपनी ने अगर डिबेंचर का पैसा उठाया है, डिबेंचर इश्यू करके पैसा अगर लोगों से लिया है, राइट, तो कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट टू द कंपनी, कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स, उनको देना ही होगा। कंपनी कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेस, कंपनी एक्सक्यूज दे ही नहीं सकती कि अभी नहीं है बाद में देंगे, वो सब नहीं चलता है। और क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन द ये जो इंटरेस्ट रेट होती है कंपनी ऑफर करती है वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे, नेचर ऑफ बिजनेस पे कि बिजनेस किस तरीके का है, ये भी वेल इन एडवांस से डिसाइडेड हो जाता है। डिपेंड्स ऑन द कंपनीज क्रेडिट रेटिंग पे भी डिपेंड करता है और बॉन्ड्स क्रेडिट रेटिंग पे भी ये डिपेंड करता है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही होता है। देखो आप कभी भी देखो, आप अगर किसी कंपनी का डिबेंचर लेना चाहोगे तो आप किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी में हाथ नहीं डालोगे, राइट, तो ये तो वह है ना पहले से ही आप उसकी क्रेडिट उसकी देख के ही आप कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। हम रेटिंग देते हैं ना हर चीज को, हम रेटिंग देते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके हिसाब से ही ये जो इंटरेस्ट भी मिलता है रिसीव होता है, तो वो ही डिपेंड उस पर ही डिपेंड करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? पार्टीज टू द डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज, मतलब कितने पार्टीज होते हैं? यहाँ पे थ्री पार्टीज होते हैं, एक तो होती है कंपनी, तो कंपनी दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी, ये है होती है जो कि है ना पैसा उधार में लेती है लोगों से, राइट, होल्डर से, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनसे पैसा उधार लेती है, राइट। देन द ट्रस्टीज होते हैं, ये ट्रस्टीज क्या काम करते हैं, ये ट्रस्टीज होते कौन है? तो यहाँ पे अ कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज, कंपनी को अपॉइंट करने होते हैं डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल, अगर 500 से ज्यादा लोगों को अगर कंपनी ने डिबेंचर्स दिए हैं
तो ये कंडीशन है कि कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने ही होंगे. दिस इज अ पार्टी थ्रू हुम द कंपनी डील्स विद द डिबेंचर होल्डर्स. इन्हीं के थ्रू, मतलब ये मिडल मैन हो गए एक तरीके से, राइट, कंपनी के बीच में एंड डिबेंचर होल्डर्स के बीच में. तो इन्हीं के थ्रू कंपनी ये इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट लेके आती है. एंड द कंपनी मेक्स एन अग्रीमेंट विद द ट्रस्टी. कंपनी है ना अग्रीमेंट तैयार करती है ट्रस्टीज के बीच में, और कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट तैयार होता है. इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड. उसको हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट डीड बोलते हैं. एंड इट कंटेन्स ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी. और इसमें क्या होता है इस ट्रस्ट डीड में, कि कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू फॉर व्हाट ऑल थिंग्स, राइट, कंपनी किस किस चीज के लिए लायबल है वो सब उसमें मेंशन होता है. और फिर राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स क्या है, डिबेंचर होल्डर्स के कौन कौन से राइट्स है, एंड है ना ट्रस्टीज के पास कौन कौन से पावर होते हैं, ये सब कुछ मेंशन होता है ट्रस्ट डीड में. किसमें मेंशन होता है? ट्रस्ट डीड में. जैसे पार्टनरशिप डीड हमने स्टडी किया है फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमने स्टडी किया है अकाउंट्स में, राइट. तो वहां पे आपने देखा है कि वहां पे पार्टनरशिप डीड बनती है. तो यहाँ पे ट्रस्ट डीड बनती है जिसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, कंपनी के कौन कौन से लायबिलिटीज है, ओके, एंड कंपनी के और बाद में डिबेंचर होल्डर्स के कौन कौन से राइट्स है, एंड ट्रस्टीज के कौन कौन से पावर्स है, कौन कौन से पावर ट्रस्टीज होल्ड करते हैं, ये सब इसके अंदर मेंशन होता है. अब यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल दो कि ट्रस्टीज कौन होते हैं, आपके माइंड में होंगे कि कौन ट्रस्टीज होंगे यहाँ पे. तो ये जो ट्रस्टीज होते हैं वो अ बैंक होती है और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हु इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्ट, जो कि है ना कंपनी उनको अपॉइंट करती है उनके वाया थ्रू देम ओनली. ना कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने डिबेंचर्स है ना लोगों तक पहुंचाती है. तो ये है ना लिंक होते हैं, लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर. ट्रस्टीज आर लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर. और ट्रस्ट डीड का मतलब होता है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्ट दैट मैनेजेस द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. जो क्या करते हैं, क्या मैनेज करते हैं, ट्रस्ट डीड क्या मैनेज करती है, तो ट्रस्ट डीड इज व्हाट, तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्ट दैट मैनेजेस द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट करने वाले लोगों का उनके लिए, वो वेलफेयर के लिए काम करती है ट्रस्ट. ट्रस्टीज किसके लिए काम करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो ये लिंक हो गया बिटवीन में, राइट, लाइक एजेंट दे वर्क. नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, तो दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन, जो कि है ना लोन देते हैं कंपनी को, कंपनी जिनसे पैसा बोरो करती है. एंड ये लोग क्या रिसीव करते हैं इसके बदले में, डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, तो डिबेंचर होल्डर्स गेट डिबेंचर सर्टिफिकेट. वो डिबेंचर सर्टिफिकेट उनको मिलता है. आप बोलोगे क्या पेपर का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, नहीं, हर एक डॉक्यूमेंट की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, राइट. क्यों, क्योंकि वो पेपर का टुकड़ा नहीं होगा, राइट, वो क्या होगा, वो कॉमन सील स्टैम्प किया हुआ रहेगा, कंपनी का थप्पा लगा हुआ रहेगा उस पर. तो वो एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है डिबेंचर होल्डर्स के पास में, जिसने भी उस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, राइट. तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई, तो ये डिबेंचर होल्डर्स ट्रस्टीज तक पहुंच जाएंगे. ट्रस्टीज इनके लिए काम करेगी फिर बाद में, अगर इनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, इनको इंटरेस्ट नहीं मिला टाइम पे, इनके साथ में कुछ भी दगा होगा, तो यहाँ पे ट्रस्टीज फाइट करेंगे. तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता है, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट जो होती है वो एक प्रूफ होता है, एविडेंस होता है डिबेंचर होल्डर के पास, कि डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है वाया परचेसिंग डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. तो इस तरीके से यहाँ पे 7 पॉइंट्स कंप्लीट हो गया. अभी 8th पॉइंट है अथॉरिटी, अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर्स. किसको अथॉरिटी है, कौन इश्यू कर सकता है डिबेंचर्स, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंपनी सेक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अंडर सेक्शन 179, अंडर सेक्शन 179 सब सेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इश्यू डिबेंचर्स. तो कौन डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एडिशनल कैपिटल अरेंज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेस करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं. तो ये कहां पे लिखा हुआ है, तो ये कंपनीज एक्ट, मतलब ये रूल्स की बुक होगी, कंपनीज एक्ट अंडर 2013 सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के अंडर में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अ पावर टू इश्यू डिबेंचर्स. नाउ द 9th वन इज व्हाट, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स का क्या स्टेटस होता है, उनका क्या दर्जा है इसमें, तो वो कौन है. अगर आप बैलेंस शीट में बात करो तो ये डिबेंचर होल्डर्स है ना कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में आता है, राइट, उनका पैसा जो होता है. तो यहां पे डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए. क्रेडिटर हो गए मतलब
कंपनी इज लायबल टू मेक देम पेमेंट, कंपनी को उनको पेमेंट करना होगा, रीपेमेंट करना होगा उनका पैसा, राइट right? उनके लिए कंपनी की जवाबदारी हो गई है. सिंस द सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय द कंपनी, जैसे कि डिबेंचर क्या है, लोन है, कंपनी ने लोन लिया है डिबेंचर होल्डर से. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट एट अ फिक्स्ड रेट, तो उसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कंपनी को. एंड एट अ फिक्स्ड इंटरवल, अगर 3 महीने क्वार्टरली दे रहा है तो क्वार्टरली, 6 महीने से दे रहे हैं तो 6 महीने से उनको है ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को. किसको देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देंगे. वो क्यों देंगे, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स है ना अपना पैसा देने वाले हैं कंपनी को, कंपनी को पैसा देंगे वाया परचेसिंग डिबेंचर्स. Until the debenture is redeemed, यहाँ पे redeemed word का मतलब क्या है, repayment. जब उसकी maturity date जब आएगी तो है ना company repayment करेगी, redeem करेगी उनके debentures, मतलब उनका पैसा उनको return करेगी, refund करेगी. तो यहाँ पे एक fixed interval पर उन्हें interest भी देना होता है जब तक वो company के debentures है ना redeem नहीं होते हैं. Company जब तक debenture holders को उनका पैसा वापस नहीं देती तब तक company is liable to pay interest to them at a specific time, at a fixed rate, at a specific interval company को देना होगा. Then the next one is what, no voting right. अभी आपसे हमने पहले भी बात किया था, हमने पहले भी जब स्टडी किया था इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में, तो यहाँ पे ना ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको कोई हक नहीं है कंपनी के इंटरनल, उसमें कोई भी उनको हक नहीं है, वो किसी भी चीज में वोटिंग नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल अगर उनकी कोई भी वॉयलेट हो रहे, उनके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनका इंटरेस्ट उनको टाइम पे नहीं मिल रहा है, वो आवाज नहीं उठा सकते, उनको वोटिंग राइट नहीं है. जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होती है राइट, कंपनी के मैनेज में वो वोटिंग दे सकते हैं. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 71 कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे मेंशन है, तो अंडर द सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 नो कंपनी शैल इश्यू एनी डिबेंचर्स. कोई भी कंपनी को हक नहीं है कि वो ऐसा डिबेंचर इश्यू करे जिसमें कि है ना वो किसी भी डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट दे, ये अलाउड नहीं है हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ये अलाउड नहीं है. नाउ डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलती है, कोई भी मीटिंग्स में वो अपने वोट नहीं दे सकते हैं. नाउ 11th वन इज व्हाट, सिक्योरिटी. अभी यहाँ पे डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी को सिक्योरिटी मिलती है कि उनको किसके थ्रू सिक्योरिटी, मतलब जैसे हमने बोला ना एसेट्स के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उनको कंपनी को है ना डिबेंचर होल्डर्स लोन देते, तो उनका लोन जो हो गया वो है सिक्योर्ड लोन हो गया, जो डिबेंचर होल्डर्स ने पैसा दिया कंपनी को सिक्योर्ड हो गया. वाया व्हाट, बाय चार्जिंग ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. इफ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी ने वापस पेमेंट नहीं किया, उसने ना इंटरेस्ट पे नहीं किया और रीपेमेंट नहीं किया कैपिटल का, तो डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी बेच खाएंगे. दे कैन सेल ऑफ चार्ज्ड प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उन्होंने लोन दिया था कंपनी को, मतलब लोन पैसा बोले तो डिबेंचर्स का पैसा दिया था, तो वो क्या करेंगे, वो वाली प्रॉपर्टी बेच के रिकवरी कर लेंगे अपने लोन पैसे की जो उन्होंने कंपनी को दिया था डिबेंचर होल्डर ने, एंड रिकवर देयर मनी. तो ये सिक्योरिटी हो गई ना एक तरीके से, भाई उनका पैसा है ना सेफ एंड सिक्योर्ड है, उनको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है. कंपनी या तो है ना सूद समेत, मतलब ब्याज के साथ इंटरेस्ट के साथ वापस देगी डिबेंचर होल्डर्स को, और अगर कंपनी इज अनेबल टू मेक पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं दे पाई इंटरेस्ट का पेमेंट या उनका रीपेमेंट नहीं कर पाई कैपिटल का, देन डिबेंचर होल्डर हैव द राइट, उनको राइट है कि वो क्या करेंगे, वो जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उन्होंने, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उन्होंने उनको डिबेंचर्स का पैसा दिया था, वो प्रॉपर्टी बेच खाएंगे वो. ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, 12th इश्यूअर्स. अभी यहाँ पे डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, तो कौन इश्यू कर सकते हैं, तो दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी दोनों के दोनों इसको इश्यूज कर सकते हैं डिबेंचर्स को, देयर इज नो इश्यू. तो यहाँ पे इश्यूअर्स कौन होंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी बोथ. देन द 13th वन इज लिस्टिंग, डिबेंचर होल्डर्स मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. आप सभी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा राइट. तो यहाँ पे एटलीस्ट कोई भी एक जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी, तो कंपनी के जो डिबेंचर्स है वो लिस्टेड होने चाहिए, मतलब वो कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं पे भी एक एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होने चाहिए, तभी कंपनी
डिबेंचर सेल कर सकती है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज 14th वन इज व्हाट, ट्रांसफरेबिलिटी। तो डिबेंचर्स कैन बी इजिली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, मतलब है ना, मैंने जैसे लिस्टिंग कंपनी में लिस्टेड होते हैं अगर मार्केट में, तो यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग होती है, तो उसी तरीके से डिबेंचर्स की भी ट्रेडिंग होती है। डिबेंचर्स भी ऐसे होने चाहिए कि वो ट्रांसफरेबल हो, राइट। तो यहाँ पे कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे तो इजीली ट्रांसफरेबल भी होंगे। फिर जिसको अगर अपनी लैब अथॉरिटी किसी और को देनी है तो वो है ना अपना डिबेंचर्स है ना उस स्टॉक मार्केट में बेच देगा और पैसा रेज कर लेगा, अपना पैसा ले लेगा, राइट। तो इस तरीके से ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स हमने स्टडी किया। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर स्टडी करेंगे इन डिटेल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।